तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यारा ना। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। हम सभी स्मार्टफोन यूज़र्स जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उनका सपना होता है कि एक ना एक दिन उनके पास एप्पल का कोई डिवाइस आए, आईफोन आए। लेकिन हम जब एप्पल का फ़ोन लेने जाते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले आता है व्हाई एप्पल इज़ सो कॉस्टली। तो आईफोन के पहले हम बात करते हैं कि बाकी ब्रांडेड फ़ोन्स के अभी प्राइस फ़िलहाल में क्या है और आईफोन की कंपैरिजन में वो कहाँ पर है। तो जैसे हम बात करें तो वन प्लस का जो सबसे बेहतर फ़ोन है वो 37,000 का आता है, गैलेक्सी S8 54,000 के करीब का, गैलेक्सी नोट 8 की हम बात करते हैं तो 65,000 का आता है, वहीं गूगल पिक्सल 2 68,000 का, और लास्टली आईफोन X जो लेटेस्ट आईफोन है वो 90,000 करीब हम उसको मान सकते हैं कि 1,00,000 रुपये का आता है वो। एक वायरल न्यूज़ के हिसाब से देखें तो अभी अभी पता चला था कि कुछ लोगों ने आईफोन ख़रीदने के लिए अपनी किडनियाँ तक बेच दी थी चाइना में। एक बड़ा ब्रांड होने के नाते एप्पल लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट में अपना पैसा खर्च करती है जिससे कि उसका स्मार्टफोन और उसके फीचर्स रिच हो सकें। अभी अभी नया हाल ही में आईफोन 10 पे हमें देखने मिल रहा है एप्पल ने अपना नया फीचर फेस डिटेक्शन अनलॉकिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है जो कि इसका एक नमूना है। ज़्यादातर छोटी कंपनियाँ या चाइनीज़ कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे नहीं लगाती हैं, वो बड़े ब्रांड के डिज़ाइंस फीचर्स कॉपी करके अपने फ़ोन पे यूज़ करती हैं जिससे कि उनका फाइनल प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है और वो मार्केट में सस्ते दर पे उपलब्ध हैं। प्रेजेंट टाइम में आप खुद ही इस बात की तसल्ली कर सकते हैं कि किस तरह ओप्पो वीवो शाओमी और वन प्लस ने एप्पल आईफोन 7 के डिज़ाइन को कॉपी किया बल्कि उसके फीचर्स को भी कॉपी किया। किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट डिसाइड करने का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। आपको याद होगा आपका फ़ोन कभी ना कभी तो ख़राब हुआ होगा और आपने कंपनी में फ़ोन किया होगा, या तो कंपनी ने फ़ोन अटेंड ही ना किया होगा या जो उनका रिस्पांस रिप्लाई मिला होगा वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता अच्छे से। लेकिन एप्पल के साथ ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती है। आप अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट ख़राब होता है उसमें कोई भी माल फंक्शनिंग आती है तो आप एप्पल में कॉल करेंगे, आपका फ़ोन को रिस्पॉन्स मिलेगा अच्छा और जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक घंटों घंटों तक एप्पल आपके साथ सहयोग करेगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने पूरी मदद करता है। किसी भी प्रोडक्ट के कीमत निर्धारण में उसके बेसिक कंपोनेंट्स की लागत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे कि उसकी स्क्रीन, उसका कैमरा और बाकी अदर कंपोनेंट्स। एप्पल अपने ज़्यादातर पार्ट्स आउटसोर्स करती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एप्पल फ़ोन की प्रोडक्शन कॉस्ट उसके फाइनल प्राइस के 1/4 के आसपास होती है। एप्पल बहुत सारा पैसा प्रोडक्ट के मार्केटिंग में भी लगाती है जिससे इंटरनेशनल मार्केट में उसके प्रोडक्ट लॉन्च की जानकारी हो सके। जैसे कि जब भी किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो जगह जगह उसके होर्डिंग्स देखने मिलते हैं, टीवी पर उसके विज्ञापन आने लगते हैं, न्यूज़पेपर में रोज़ रोज़ उसकी खबरें छपने लगती हैं। ये सारी चीज़ें उसके फाइनल प्राइस को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भी किसी भी प्रोडक्ट के क्वालिटी की बात आती है चाहे वो फ़ोन हो, टैब हो या फिर लैपटॉप हो, तो हम उसे एप्पल के प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करके देखते हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि एप्पल इज़ द बेस्ट। और हम देखें तो डुअल लेंस का जो कॉन्सेप्ट है कैमरे में वो सबसे पहले एप्पल ने ही निकाला था और सारी कंपनियों ने बाद में उसको फॉलो करके उसे कॉपी किया था। और अगर हम कैमरा क्वालिटी की बात करें तो आज के टाइम पे एप्पल से कम्पीट करने वाला और उसको पीछे करने वाला अभी तक कोई ब्रांड नहीं आया जो उसकी कैमरा क्वालिटी से बेहतर क्वालिटी दे सके। यह वीडियो किसी भी तरह से एप्पल से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सारे मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।